हे टेक लवर्स, आपका स्वागत है मोबाइल फंडा के एक और नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करने वाले हैं HyperOS 2.0 के लेटेस्ट एप्स के बारे में, जिसे आप अपने Xiaomi, Redmi या फिर Poco के डिवाइस पे बिना कोई इशू के इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपके फोन पे HyperOS 2.0 की अपडेट आ चुकी है तो इन एप्स को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपसे हमारी आने वाली वीडियोस मिस ना हो। तो दोस्तों, बात करें इन HyperOS 2.0 के लेटेस्ट एप्स की, जिसमें सबसे पहला ऐप है थीम स्टोर या फिर थीम मैनेजर, और इसकी वर्जन हमें 2.7.3.39 देखने को मिलेगी। वहीं इसमें कुछ न्यू चेंजेस की बात करें तो हमें कुछ न्यू देखने को नहीं मिली है, जिसका मतलब कि इस वर्जन में हमें माइनर बग फिक्स्ड देखने को मिलेंगे। अगली ऐप की बात करें तो वो है मी रिमोट, और इसकी वर्जन हमें 7.1.0 देखने को मिलेगी। वहीं इस वर्जन में चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ न्यू देखने को नहीं मिली है, बट जैसे ही नोटिफिकेशन टॉगल पे जाते हैं और फिर एडिट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें मी रिमोट की शॉर्टकट देखने को मिलेगी, जिसे आप डायरेक्टली यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट ऐप नंबर 3 की बात करें तो वो है ऐप वॉल्ट, और इसकी वर्जन हमें 13.37.3 देखने को मिलेगी। वहीं इसमें चेंजेस की बात करें तो इसके अंदर भी कुछ न्यू चेंजेस देखने को नहीं मिली है, बट जैसे ही विजिट सेक्शन पे जाते हैं और फिर ऑल फाइल्स, तो यहाँ पे कुछ ऐसा लेआउट देखने को मिलेगा, जिसमें से कुछ ऐप्स के विजिट कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, जिसे आप रिसर्च भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐप की बात करें तो वो है HyperOS 2.0 की सिस्टम लॉन्चर, और इसकी वर्जन हमें 5.39.35.10552 देखने को मिलेगी। वहीं इसमें चेंजेस की बात करें तो सबसे पहले जो एनिमेशन है वो और थोड़े स्मूथ देखने को मिलेंगे, प्लस जैसे ही होम स्क्रीन के सेटिंग पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें 3 लेआउट्स देखने को मिलेंगे, एक 4x6, सेकंड 4x7 और थर्ड 5x9, जिसे आप अपने सेटअप के हिसाब से यूज कर सकते हैं। बाय द वे, इसे इंस्टॉल करने से पहले आप अपने लॉन्चर की बैकअप जरूर ले लेना। नेक्स्ट ऐप नंबर 5 की बात करें तो वो है गैलरी, और इसकी वर्जन हमें 3.8.0.11 देखने को मिलेगी। वहीं इसमें चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे मैंने वैसा कुछ नोटिस नहीं किया है, मतलब कि इस वर्जन में भी हमें माइनर बग फिक्स्ड देखने को मिलेंगे। अगली ऐप है कैलकुलेटर, और इसकी वर्जन हमें 15.2.16 देखने को मिलेगी। वहीं इसमें चेंजेस की बात करें तो इसमें भी कुछ न्यू देखने को नहीं मिली है, बट जैसे ही कंट्रोल सेंटर पे जाते हैं तो यहाँ पे भी हमें इसकी शॉर्टकट देखने को मिलेगी, जिसे आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐप यानी के ऐप नंबर 7 की बात करें तो वो है गेट एप्स, और इसकी वर्जन हमें 36.8.1.0 देखने को मिलेगी। वहीं इसमें चेंजेस की बात करें तो इसके न्यू लोगो के अलावा मैंने और कुछ चेंजेस नोटिस नहीं किया है, जिसका मतलब कि इसमें भी हमें माइनर बग फिक्स्ड देखने को मिलेंगे। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऐप नंबर 8 है HyperOS सिक्योरिटी, और इसकी वर्जन हमें 10.4.6 देखने को मिलेगी। वहीं इसमें चेंजेस की बात करें तो इसके लेआउट में कुछ न्यू देखने को नहीं मिली है, फिर चाहे वो बैटरी सेक्शन हो या फिर मैनेज एप्स, बट जो गेम टर्बो है वो हमें यहाँ पे न्यू देखने को मिलती है, जिसमें कुछ हमें माइनर चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वहीं इसी तरह के टेक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।